नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजों का इंतजार हम सभी को है, आपको भी और मुझे भी और राजनीतिक दलों को भी। अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे पहले एक राज्य ऐसा जहां पर हर किसी की निगाह है, आखिरकार वहां क्या हो सकता है, ये सवाल हर किसी के मन में है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति पर बातचीत करने के लिए एक वहां की राजनीति के जाने माने चेहरे नितेश राणे, विधायक भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। नमस्ते, जय श्री राम। नितेश जी, ये क्या कहा जा रहा है रवि राणा की तरफ से कि 15 दिनों के अंदर ही उद्धव ठाकरे बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं, एनडीए में आ सकते हैं? देखिए, उद्धव जी को ये अच्छी तरह से मालूम पड़ गया है कि जो कोई प्रचार उन्होंने इस लोकसभा में चुनाव में किया, वो प्रचार उनको किसी भी काम का नहीं आ रहा है। और इस देश में, इस हमारे भारत देश में मोदी जी के सिवाय और कोई भी नेतृत्व चल नहीं सकता। भारत देश का हर एक नागरिक आज मोदी जी को प्रेम और विश्वास करने वाला है, और ये उद्धव जी को अच्छी तरह से मालूम पड़ गया है। जिस कांग्रेस और शरद पवार गुट का सुन के उन्होंने जिस तरीके का प्रचार किया, हिंदुत्व के लाइन पे चलने वाले बालासाहेब ठाकरे जी, जिन्होंने हमेशा एक प्रखर हिंदुत्ववादी की भूमिका हमारे महाराष्ट्र में और देश में निभाई है, और उनका बेटा जब भी हिंदुत्व को छोड़ के सिर्फ जिहादियों के तरफ बात करता है, कांग्रेस और शरद पवार गुट जी को लेके सिर्फ हिंदू विरोधी भूमिका लेता है, तो महाराष्ट्र की जनता को बिल्कुल ये पसंद आया नहीं है। और इसके वजह से उद्धव जी को ये मालूम पड़ गया, इसलिए शायद जो रवि राणा जी बोल रहे हैं उसमें सत्य ही हो सकता है। मगर मैं आपको नितेश जी क्या चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा बने, आए वो आपके साथ? देखिए, एक समझ के लीजिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और हमारे लिए राष्ट्र प्रथम और धर्म की सुरक्षा और संरक्षण करने वाले हम सब कार्यकर्ता है। इसलिए अगर उद्धव जी फिर एक बार हमारे हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से उनको प्रचार करते हुए देखा, तो हमारे हिंदू कम और जिहादी वो ज्यादा दिखते थे। ज्यादा हमको लगता था कि जिहादियों का जो दिल की बात है वो ज्यादा समझते थे, तो इसलिए अगर उनको फिर एक बार हमारे हिंदू धर्म में घर वापसी करनी हो, तो एक हिंदू के नाते मुझे इस बारे में खुशी ही होगी। और जो कोई हमारे वरिष्ठ निर्णय लेंगे उस पे हम सभी कार्यकर्ता उसको एग्री हो जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शरद पवार गुट है वो जिहादी है एक तरह से, लेकिन अजीत गुट को आप नहीं कहते हैं, वो भी तो एनसीपी है। देखिए, अजीत पवार जी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हमारे महायुति के एक अलायंस पार्टनर है। जब भी अजीत पवार जी हमारे पास आए थे, उनको स्पष्ट हो चुका था, जहां हमारे देवेंद्र जी हो, फडणवीस जी हो और अन्य लोगों ने उनको स्पष्ट कर दिया था कि कुछ आइडियोलॉजी पे, हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे हम कभी उसके ऊपर तड़जोड़ करेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। इसलिए उनको अच्छी तरह से ये मालूम होने के वजह से उनके बारे में हमको कोई ऐतराज नहीं है। और शरद पवार गुट जो है, तो विपक्ष जो कहता है कि आप वॉशिंग मशीन लेकर बैठे हैं, आपके साथ में जो आ गया वो सही है, जो आपके साथ में नहीं आया वही गलत है। देखिए, आखिर में जो हमारे साथ में आने वाले लोग हैं, वो अगर हमारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अगर स्वीकारते होंगे, हमारे लिए नेशन फर्स्ट, ये जो हमारे मोदी जी हमेशा बोलते हैं, उसके हिसाब से अगर काम करते होंगे, तो ये सारे वॉशिंग मशीन के सिर्फ एलिगेशन से हमारे लिए आइडियोलॉजी महत्व इम्पोर्टेंट है, हमारा राष्ट्र प्रथम है, और उसको जो जो स्वीकारता है वो हमारे साथ आ सकता है। अजीत पवार जी पर जब वो एनडीए का हिस्सा बने, सरकार में आए महाराष्ट्र में, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बड़ी तीखी आलोचना कर रहे थे, भ्रष्टाचारी उनको बता रहे थे, फिर आपके साथ आ गए, अब सब कुछ सही है? देखिए, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, कोई भी अगर हमारे साथ आके अगर हमारे
हिंदुत्व लाइन हो या देश के लिए काम करना चाहता है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व स्वीकारना चाहता है, तो हम उसको जरूर स्वीकारेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए अभी क्योंकि एग्जिट पोल के कुछ नतीजे सामने आए हैं और वो महाराष्ट्र की तस्वीर दिखा तो रहे हैं कि टफ फाइट हो सकती है। अगर नतीजे अकॉर्डिंग टू यू नहीं रहे, यानी कि आप जिस तरह के नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे नहीं रहे, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हमको पूरा आत्मविश्वास है मोदी जी के नेतृत्व पे, हमारा पूरा आत्मविश्वास है हमारे महायुति के सरकार के पूरे कार्य पे। हमने जिस तरीके से पिछले 2.5 साल महाराष्ट्र की जनता की सेवा की है, पिछले 10 साल से जिस तरीके से मोदी जी महाराष्ट्र की जनता की सेवा कर रहे हैं, हमको विश्वास है जो कुछ भी हमारे सामने जो आंकड़े हैं, जो हमको विश्वास है कि हमने जो टारगेट रखा है वो टारगेट हम पूरा करेंगे। आखिर में एग्जिट पोल के जो कंपनियां हैं उनको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, मगर मुझे लगता है कल शाम को इसी वक्त जब मैं और आप बात करेंगे तब आपको विश्वास बैठ जाएगा कि जो मेरे आंकड़े थे वही सही थे और महाराष्ट्र में हम सबसे बड़े अलायंस बन के हम लोग उभर रहे हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में एनडीए कितना पा रहा है और बीजेपी कितनी सीटें पा रही है, क्या प्रेडिक्शन है आपका? देखिए, मेरा तो प्रडिक्शन है कि हम 40 के करीब रहेंगे। हम बीजेपी ने जो सीट लड़ाई है हम लोग उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको लगता होगा कि महाविकास आघाड़ी की तरफ माहौल था, मगर मोदी जी के बारे में नेतृत्व के ऊपर विश्वास, मोदी वोटर जिसको हम लोग बोलते हैं, महिला हो और बड़े पैमाने पे जिस तरीके से उद्धव जी और कांग्रेस और शरद पवार गुट ने जिस तरीके से हिंदू विरोधी प्रचार किया, बहुत सारे फतवे निकले थे जहां हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे लेटर्स निकाले गए, पैम्पलेट निकाले गए, मोहल्लों में हिंदुओं को के खिलाफ बहुत बड़े षड्यंत्र रचे गए और इस सब का नेतृत्व उद्धव जी और ये लोग सब लोग कर रहे थे। तो इसलिए मुझे इस सब का गुस्सा बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुओं हिंदू समाज के बीच में हमको दिखा। जो जिस दिन वोटिंग हो रहा था तो उस दिन बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे पॉकेट पे जहां वोटिंग हमेशा हमको कम दिखता था वहां भी हिंदू बहुत बड़े पैमाने पे बाहर निकले। तो मुझे लगता है इसका रिफ्लेक्शन हमको कल के रिजल्ट में जरूर दिखेगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर क्या भूमिका बनेगी इन लोकसभा चुनाव से? नतीजे जो आएंगे उसका कितना इम्पैक्ट आपको लग रहा है विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, अच्छा ही इम्पैक्ट गिरेगा क्योंकि पिछले बार भी इसी तरीके से लोगों ने लोकसभा के बाद 19 को भी फिर एक बार बीजेपी और तभी शिवसेना के अलायंस को एक अच्छा मेजोरिटी का ही फिगर दिया था, मगर उसके बाद उद्धव जी ने गद्दारी करके उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए थे। मगर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब भी विधानसभा चुनाव हुआ था तभी भी हमको भारी मेजोरिटी मिली थी और इस बार भी महाराष्ट्र में मुझे विश्वास है कि हमारी महायुति की सरकार वापिस एक बार बड़े मेजोरिटी में चुन के आ रही है। अच्छा, विपक्ष ये कहता है कि आप बीएमसी के इलेक्शन इसलिए नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि आपको डर था कि आप उसमें हार ना जाएं। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव होगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि किसकी कितनी शक्ति है। देखिए, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको मैं विनती करूंगा कि आप थोड़ा कोर्ट में किसकी याचिका, किसने कोर्ट जाके ओबीसी हो, अलग अलग मुद्दे पे किसने पीआईएल दाखिल किया है, 10 में से 8 पीआईएल ये ठाकरे गुट के है। जो एलिगेशन करने वाला विपक्ष है वही कोर्ट में जाता है, वही वार्ड के बारे में पिटीशन दाखिल करता है, वही ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में पिटीशन दाखिल करता है और वही मीडिया के सामने आके बोलता है कि हम लोग चुनाव से डर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ही हमारे ऑपोजिशन को बोलता हूं कि आप सारे वो पिटीशन वापस ले लीजिए और चलो मैदान में चले जाएंगे। बीएमसी में भी मुंबई की जनता, ये भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के साथ में है, मुंबई की जनता भी चाहती है कि जिस तरीके से उद्धव जी के शिवसेना ने सालों साल मुंबई पे राज किया, मगर मुंबई को एक पिछड़ा शहर बना के मुंबई को छोड़ दिया था,
मगर हमारे देवेंद्र जी के माध्यम से, फडणवीस जी के माध्यम से, जब भी वो मुख्यमंत्री थे तभी मेट्रो के लाइन हो और अलग अलग बड़े बड़े प्रकल्प, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो मुंबई में हुए हैं वो बीजेपी के ही लीडरशिप के अंडर ले गवर्नमेंट के माध्यम से हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से लोकसभा हो, विधानसभा हो या आने वाली बीएमसी हो, सभी जगह में आपको भारतीय जनता पार्टी और महायुति का भगवा फड़कते हुए दिखेगा। अच्छा नितेश जी, क्योंकि आपने फडणवीस जी का नाम लिया, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अब तो डिप्टी सीएम आपने बना दिया, बड़ी नाइंसाफी की, लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, लोग जो लोग फडणवीस जी को पहचानते नहीं है वो लोग इस तरीके का आलोचना करेंगे ही। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ये एक भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। पार्टी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, फिर पार्टी और फिर खुद, ये जो हमारा ब्रीद वाक्य है उसके उसी तरह उसे मार्ग पे चलने वाले हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है। जब भी मोदी जी के माध्यम से उनको कहा गया कि नहीं आपको सरकार में रहना है, सरकार को शिंदे जी के साथ साथ में चलाना है, उन्होंने खुद के बारे में न सोचते हुए वो पार्टी पार्टी में, मतलब गवर्नमेंट में गए। ये उनका बड़ापन है। शायद जो बोलने वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि वो उनको खुद को पद उनके लिए बड़ा है, इसलिए हमारे देवेंद्र जी भी वैसे है। वो शायद देवेंद्र जी को पहचानते नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ये देवेंद्र फडणवीस जी क्या है वो अच्छी तरह से पहचानती है, इसलिए हमको विश्वास है कि देवेंद्र जी का नेतृत्व आज वो उप मुख्यमंत्री हो तो भी बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा होके निकला है और महाराष्ट्र के जनता के दिल में, हृदय में देवेंद्र फडणवीस जी ने जगह बना ली है। अच्छा, अब क्या देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम ही रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी अब नज़दीक है, लोकसभा के नतीजे आ ही जाएंगे कुछ घंटों में, उसके बाद विधानसभा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो क्या देवेंद्र फडणवीस जी को जो अभी मौजूदा भूमिका है उससे बाहर निकालकर फिर से उसी भूमिका में डाला जाएगा जो पहले थे, या फिर शिंदे जी नेतृत्व करेंगे? देखिए, ये सवाल आप हमारे शीर्ष नेतृत्व को पूछना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। आखिर में किसको मुख्यमंत्री बनाना, किसको उप मुख्यमंत्री बनाना, ये सारे हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इतना ही मालूम है कि हमारे देश में जैसे हिंदुत्ववादी विचार की सरकार की जरूरत है, उसी तरीके की हिंदुत्ववादी विचार की सरकार हमको हमारे महाराष्ट्र में भी चुन के लेके आनी है। आज फिर एक बार गलती से अगर उद्धव जी और कांग्रेस और शरद पवार गुट के पास जैसे 2.5 साल में महाराष्ट्र उनके पास गया और तभी जो 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 हिंदू विरोधी निर्णय उन्होंने महाराष्ट्र में लिए वो हमको कभी होने देना नहीं है। हमको किसको मुख्यमंत्री बना रहा है, किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व देख लेगी, मगर हमको इतना ही मालूम है कि हमको महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी विचार की हमारी महायुति की सरकार फिर एक बार चुन के लानी है और उसके लिए हम लोग सब काम करना चालू किया है। अच्छा, ये जो बीच बीच में खबरें आती हैं कि खटपट हो रही है, एनसीपी कभी अपनी अपनी बात रख रही है या फिर जो शिंदे गुट है वो अपनी बात रख रहा है, तो ये जो खटपट की खबरें हैं इनमें कितनी सच्चाई होती, क्या आप अंदर से एकजुट है, क्या आप महायुति कहते हैं, तो क्या वो जो एक गठबंधन का धर्म है वो सभी लोग प्रॉपर निभा पा रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कर रही है बाकी लोग कम कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए, हमको हमारे पत्रकार मित्रों का बहुत हमको ख्याल रखना अच्छा लगता है। आपके भी चैनल्स में आपको अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलना चाहिए, हमको भी आपको आपका ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए इस तरीके की न्यूज के माध्यम से आपके चैनल को अच्छा टीआरपी मिलेगा तो हमको भी खुशी होती है। मगर मैं आपको सच्चाई अगर बताऊंगा तो हमारे तीनों नहीं, में मैं तो सिर्फ सच्चाई जानना चाह रहा था टीआरपी के लिए, मैंने ये नॉर्मल सवाल पूछा। जैसे आपने एड सुनी है कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ कभी टूटेगा नहीं, इस तरीके का हमारा गठबंधन है, इस तरीके का विश्वास, इस तरीके का काम काम करने का जो अटैचमेंट जिसको हम लोग कहते हैं वो हमारे शिंदे साहब, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे अजीत दादा के बीच में है। इसलिए आप हमारे जो विपक्ष है वो जो सपना देख रहे हैं कि हमारे में जो झगड़ा होगा, ऐसे हमारे विपक्ष का कोई भी सपना हम लोग पूर्ण होने देंगे नहीं। ये तीनों के नेतृत्व में हम हमारे महाराष्ट्र की सरकार चलाएंगे और महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पे लेके जाएंगे। अच्छा, आपने फेविकोल का जिक्र किया, तो ये राणे फैमिली जो है फेविकोल से एक पार्टी के साथ चिपक कर क्यों नहीं रहती है, वो
शिवसेना शिवसैनिक भी हो जाते हैं, वो कांग्रेसी भी हो जाते हैं, फिर अब भारतीय जनता पार्टी के भी हो जाते हैं, मतलब क्या है? देखिए, हम पार्टियां बदलने के पीछे बहुत बड़ा इतिहास होता है, बहुत बड़ा कारण होता है। हम 39 साल जब भी बाला साहब ठाकरे जी के साथ रहे हैं, तभी उद्धव जी के वजह से हमको बाला साहब ठाकरे जी को छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमको जब भी हमको कांग्रेस में जाने के बाद वहां भी हमसे झूठ बोला गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और पिताजी हमारे राणे साहब को 12 साल उधर लेके गए। और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत 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 खुश है। हम लोग पार्टियों के साथ अगर फेविकॉल नहीं लगाते होंगे, मगर तो भी हम हिंदुत्व के साथ हमारा फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। पहले भी हम लोग ने 39 साल शिवसेना में निकाला, 12 साल कांग्रेस में जाके हमारे साल बर्बाद हो गए। आज हम वापस एक भारतीय जनता पार्टी में हमारे मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आखिर में हम लोग स्पष्ट वक्ता है, हम लोगों के बाजू से बात करने वाले लोग हैं। हम लोग अन्याय सहन नहीं कर सकते, और जब जब अन्याय होता है तभी हमको आवाज उठाने का। अच्छा नितेश जी, ये कहना बेईमानी नहीं होगी कि आपने कांग्रेस को पहचानने के लिए 12 साल लगा दिए? मालूम है, क्योंकि हम लोग भी उनको संधि देना चाहते, हम लोग भी उनको चांस देना चाहते थे, इसलिए हम भी रुके पड़े। मगर जब भी हमको मालूम पड़ा कि कांग्रेस अपने जबान पे रहने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए तो आज आप देखिए नेशनल लेवल पे कांग्रेस की क्या हालत हो चुकी है। जब अपने लीडरों को, इतने एक सीएम को जब भी अपने पार्टी में लेती है, एक जवान खुद सोनिया गांधी जी मैडम हो या अहमद पटेल तभी के हो, सब देखते, और तभी अगर वो अपने जबान पे रह नहीं सकते तो आज जो ये पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है, इसके जिम्मेदार वो खुद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो दावा कर रही है कि इंडिया गठबंधन 295 जो कि सिद्धू मूसेवाला का एक गाना भी है, उतने आंकड़े तक पहुंच जाएगी। देखिए, कांग्रेस को ये दावा करने के बजाय उनके पास दूसरा पर्याय ही बचा नहीं है। आज आप पूरी कैंपेन आज आपने करीब से देखी होगी, राहुल जी का सब जगह आपने घूमते हुए राहुल जी को देखा, अन्य कांग्रेस लीडरों को देखा, आज उनकी हालत क्या हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक वक्त ऐसा था तब कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता था। आज कांग्रेस मुश्किल से आज 10-15 सीट लड़ रही है, 10 भी नहीं, मुझे लगता है 10 के करीब से सीट लड़ रही है, ऐसी उनकी हालत हो चुकी है। इसलिए राहुल गांधी जी का नेतृत्व आज कांग्रेस वालों को भी पसंद नहीं है। कांग्रेस जन भी बोल रहे हैं कि यह आदमी को जितने दिन आप कांग्रेस का नेतृत्व रखेंगे कांग्रेस खत्म कर देंगे, और उसी मार्ग पे राहुल जी चल रहे। इसलिए वो कितना भी 295 बोले या वो, तो मैं तो बोलता हूँ कि वो कल 800 भी बोल देंगे। कांग्रेस वालों की ऐसी हालत है, इसलिए वो कुछ भी बोलेंगे वो तो सच्चाई होने वाला ही नहीं। अच्छा, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर क्या होने जा रहा है? कल हमारे महायुति के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राणे जी 3-3.5 लाख वोट से कल जीतने जा रहे हैं। पूरा विश्वास है आपको? पूरी तरह से विश्वास है, इसके पीछे मेरा और कॉन्फिडेंस नहीं है। मगर 2-10 साल में मोदी जी ने हमारे कोकण के लिए किया हुआ काम, लिए हुए निर्णय, राणे साहब पिछले 40 साल से यहाँ के लोगों के साथ की सेवा कर रहे हैं, और इसलिए मोदी जी जो है, राणे साहब हो प्लस देवेंद्र फडणवीस, जो ये सारा जो डेवलपमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, वो डेवलपमेंट के कॉम्बिनेशन को लोगों ने स्वीकारा है। और कल हमारे महायुति के सांसद बन के राणे साहब चुन के आ रहे। अच्छा, आपका एक बयान है, मफलर वाला अंदर गया अब गले के पट्टे वाला अंदर जाएगा, ये गले के पट्टे वाला है कौन? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने जो अपने सरकार होने के वक्त जो नौटंकी की, जो गले पे पट्टा लगा के जो घूमते थे, और वो गले का पट्टा अभी कहीं भी दिखता नहीं है। हमको तभी बताया गया कि उनको बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, वो गले के ऊपर बैठा हुआ मच्छर भी मार नहीं पा रहे थे। मगर अभी आपने खुद देखा होगा कि वो आदमी इस तरीके से घूम रहा है, मतलब हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ये बहुत बड़े डॉक्टर है, उन्होंने इस तरह का इंजेक्शन उनको एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से लगाया है कि गले का पट्टा भी चला गया है, और वो हर जगह घूम घूम के अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए गले का पट्टा मतलब उद्धव ठाकरे। तो ये उद्धव ठाकरे जी कब जाएंगे, क्योंकि आपकी सरकार तो चलाते हुए काफी वक्त हो गया, केंद्र में भी आपकी सरकार है, किस आधार पे आपने ये कहा कि वो अंदर जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि उद्धव जी को भी मालूम है कि कोविड के वक्त
जो स्कैम हुए हैं कोविड के वक्त, उनके खुद के रिश्तेदार, उनके खुद के ब्रदर इन लॉ हो, उनका खुद का बेटा जो मंत्री हो, अलग अलग माध्यम से विदाउट टेंडर बहुत सारे कोविड के वक्त कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उसमें भ्रष्टाचार भी बहुत बड़े, करप्शन बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। कुछ मर्डर केसेस हुआ है जहां उनका डायरेक्ट उनके बेटे का नाम और एलिगेशन उनके पास है। तो ये सारी चीजें हैं, मगर आप एक समझ के लीजिए कि हम लोग विंडिक्टिव गवर्नमेंट नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि हम लोग किसी को, जब तक सारे प्रूफ हमारे एजेंसीज के पास आते नहीं है तब तक अरेस्ट करने का हम लोग जल्दबाजी करते नहीं है। मगर मुझे विश्वास है जिस डायरेक्शन में सारे इन्वेस्टिगेशन जा रहे हैं, जल्दी ही जल्दी अरविंद केजरीवाल जी के एकदम बाजू में हमको एक पट्टे वाला आदमी बैठा बैठा हुआ दिखेगा और उसका नाम उद्धव ठाकरे होगा। चलिए नितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही घंटों का वक्त है, तो हम और आप देख पाएंगे कि नतीजे क्या रहते हैं। आपके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।